के मूक बादिर माह के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी बेटे को 10 साल की सजा सुनाई गई। दरअसल मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां रहने वाले एक युवक ने साल 2017 में अपनी मूक बादिर माह के साथ 4 से 5 बार बलात्कार किया था। वहीं जब आरोपी की बहन घर आई तो उसने अपनी मां के चेहरे पर चोट के निशान देखे और थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश मनीषा बस्तेर के कोर्ट में चला गया, जहां अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश मनीषा बस्तेर की कोर्ट में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 साल की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने सहित 6 से 6 साल का सश्रम कारावास सुनाया है। कोर्ट ने इसे सामाजिक आधार पर बहुत गंभीर अपराध माना जाता है और घिनौना अपराध मानते हुए पीड़िता को 15,000 का कंपनसेशन भी दिया जा रहा है। सर, इंदौर कोर्ट ने एक आदेश जारी करा है, किस क्या विषय है और क्या पूरा मामला और क्या आदेश जारी हुआ? इंदौर विशेष न्यायाधीश मनीषा बस्तेर साहब के यहाँ एक मामला आया था, जिसमें अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत एक मूक बधिर पीड़िता के साथ में उसके ही बेटे ने करीबन 4 से 5 बार वर्ष 2017 जुलाई में बलात्कार किया था। घटना की जानकारी जब मूक बधिर की बड़ी बेटी घर आई और मां के फेस पे जब वो उसने चोट के निशान देखे तो बेटी को लगी। बेटी ने थाने पर सूचना की, जिसके अंतर्गत अभियोजन की ओर से 7 साक्षियों को पेश किया गया। साक्षियों पर विश्वास करके मनीषा बस्तेर साहब ने 10 साल का सश्रम का कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया आरोपी को। सर, कोर्ट ने इस दौरान क्या विशेष टिप्पणी किया? कोर्ट ने इसको सामाजिक आधार पर बहुत ही गंभीर अपराध माना है और बहुत ही घिनौना अपराध मानते हुए पीड़िता को 15,000 रुपये का कॉम्पनसेशन का भी बोला है। आपका नाम? जयंत दुबे, एजीपी इंदौर।